हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सर? अच्छे हो? ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर के बारे में। ठीक है, मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, क्या होता है मिसिंग नंबर। आप लोगों को 1 to 100 तक सबको काउंटिंग नंबर लर्न है तो आप लोगों को तो इतना भी पता होना चाहिए ना कि जैसे कि 1 to 100 के बीच में जितना भी नंबर अगर मिसिंग होगा तो आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। गुड, तो आप लोग जब आसानी से फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिलके। राइट द मिसिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिक्चर्स भी बने हुए ना। ओके, तो जैसे कि नंबर है 12, बॉटम में नंबर है 12, एक सर्कल में है 12। 12 के ऊपर जो है, यानी कि जस्ट इसका टॉप जितना भी सर्कल बना हुआ है ये सब बिल्कुल ब्लैंक है, और ये ब्लैंक बॉक्स में, ब्लैंक सर्कल में हमको नंबर वो फिल करने हैं। कौन से नंबर? जो नंबर मिसिंग होंगे। ठीक है, तो हमें काउंटिंग तो लर्न है, तो आप लोग बताएं कि 12 का बिफोर नंबर क्या होता है। 1 से जब हम काउंट करेंगे 12 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 एंड 12। तो 12 के पहले कौन सा नंबर है? 11। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे? नंबर 11। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये सर्कल, इसमें हमने फील किया नंबर 10, क्योंकि 11 तो 10 का आफ्टर नंबर है, यानी कि 10 जो है हमारा 11 का बिफोर नंबर होगा। ठीक है, अब 10 के पहले वाला नंबर कौन सा होगा? 9। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे? नंबर 9, इसके बाद 8, इसके बाद 7। अब आप लोग काउंट करो मेरे साथ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब इस पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी हमको बॉटम से स्टार्ट करना है। बॉटम में है नंबर 11। ठीक है, तो 11 का आफ्टर नंबर क्या होगा? 12। गुड, तो यानी कि हम यहाँ पे सर्कल में लिखेंगे नंबर 12। 12 के बाद नंबर आया 13, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो 13 के बाद नंबर आया हमारा 14, 14 के बाद 15 एंड 15 के बाद 16, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अभी देखिए हम लोग काउंट करें ना इसको, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये कितना हुआ? 16 हुआ। चलिए अब यहाँ पे भी हमको बॉटम से स्टार्ट करना है। तो बॉटम से स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पे देखिए ये देखना है नंबर क्या है, 9। ठीक है, तो 9 का यहाँ पे क्या करना है? आफ्टर नंबर और 9 का बिफोर नंबर, यहाँ पे हम लोग नंबर फिल करेंगे। तो 9 का आफ्टर नंबर क्या होगा? 10, 11 एंड 12। और 9 का जस्ट बिफोर नंबर 8 एंड 7। अब मेरे साथ काउंट करिए, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यानी कि अगर हमको नंबर लर्न है, काउंटिंग नंबर लर्न है, तो हम लोग आसानी से नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा द नंबर 3, 6, 10, 13, 15 एंड 18 आर हिडन इन द पिक्चर, फाइंड एंड इनसर्कल द नंबर्स। यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं ना, अभी पिक्चर्स में नंबर जो है सब छिपे हुए हैं, सब नंबर हिडन हैं। अभी उसी नंबर को हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर कहाँ पे है। वो कौन कौन से नंबर? नंबर 3, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 15 एंड नंबर 18। चलिए
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर थ्री से। नंबर हम थ्री से स्टार्ट करते हैं। आप सब पिक्चर्स देखिए, आप लोग बताइए कि नंबर थ्री कहाँ पे है। नंबर थ्री है यहाँ पे टी शर्ट पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पर एक सर्कल करना है। अब उसके बाद आता हमारा नंबर सिक्स। आप लोग सिक्स बताइए कहाँ पे है। सिक्स नंबर एंड नंबर टेन, नंबर टेन यहाँ पे है। नंबर थर्टीन, नंबर थर्टीन यहाँ पे है। एंड नंबर फिफ्टीन, नंबर फिफ्टीन एंड नंबर एटीन, वेयर इज नंबर एटीन। नंबर एटीन है यहाँ पे, देखा। तो यानी कि हमने आसानी से नंबर को फाइंड आउट किया जो नंबर हिडन होंगे, और हमने इस पे क्या किया, सर्कल किया। अभी देखिए राइट मिसिंग नंबर। अभी यहाँ पे एक पोस्टमैन है और एक पोस्ट बॉक्स है। पोस्टमैन को पोस्ट बॉक्स पे जाना है अपना लेटर लेके, ठीक है। तो हम लोग इसका हेल्प करें कैसे, नंबर मिसिंग नंबर जितना भी मिसिंग नंबर है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको लिखेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये पोस्टमैन अपने पोस्ट बॉक्स पे पहुंच पाता है नहीं। हाँ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर है टू। टू का जस्ट बिफोर नंबर क्या होगा, टू का जस्ट बिफोर नंबर होगा वन। यानी कि मैंने लिखा यहाँ पे वन, वन टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद नाइन, नाइन के बाद टेन, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, ठीक है। यानी कि हमने जितना भी मिसिंग नंबर है हमने इसको आसानी से फाइंड आउट किया, और नंबर यहाँ पे मिसिंग नंबर जो भी था हमने इसको लिखा, ठीक है। हमको क्या करना है इसमें कि मिसिंग नंबर में हमको 1 to 100 तक काउंटिंग नंबर लर्न होना चाहिए, तभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिसिंग नंबर कहाँ पे नंबर मिसिंग है ना। और स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर सबको समझ में आया था, तो उसका थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी संख्या, और लार्जेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और हमें दो नंबर को कंपेयर करना था, ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू वहाँ पे जो भी साइन यूज करना था, तो हमें नंबर्स को कंपेयर करना था। तो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास प्लेस कौन कौन से हैं। प्लेस हमारा है एक वंस, एक है हमारा टेंस, और एक है हमारा हंड्रेड्स। तो हंड्रेड, तो अगर हमारे पास थ्री डिजिट का नंबर होगा, थ्री डिजिट का नंबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हंड्रेड प्लेस को कंपेयर करेंगे। अगर हंड्रेड प्लेस हमारा सेम होता है ना, तो उसके बाद ही हम टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। अगर हंड्रेड प्लेस सेम नहीं है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। और लार्जेस्ट नंबर होगा तो वहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, एंड स्मॉल होगा तो हम वहाँ पे लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, और अगर सेम नंबर होंगे तो हम वहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब 100 प्लेस हमारा सेम है, तो उसके बाद हम 10 प्लेस को कंपेयर करेंगे। 10 प्लेस को कंपेयर करेंगे, तो जब 10 प्लेस हमारा कंपेयर करेंगे ना, तो 10 प्लेस को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ऐसे करके एक एक स्टेप हम लोग वंस प्लेस तक कंपेयर करेंगे। कब, जबकि हमारा आगे का 100 प्लेस या 10 प्लेस अगर हमारा सेम हुआ तो, ठीक है। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, एंड लार्जेस्ट नंबर होता है सबसे बड़ी संख्या। इसको हम लोग और आसानी से कर सकते हैं, जबकि हमको इतना क्लियर होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। और प्लेस वैल्यू में हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हमको प्लेस क्लियर होना चाहिए, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस।
और आज हमने सीखा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आप लोग तभी मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो जबकि आप लोगों को 1 to 100 तक काउंटिंग नंबर लर्न होना चाहिए। अगर आप लोगों को लर्न नहीं है तो आज आप लोग ज़रूर से लर्न करना, या 1 to 50 तक ही नंबर लर्न करना, लेकिन आप लोग लर्न करना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग फिर से पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।